और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50 इस वक्त। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद तबाही का मंजर, बाढ़ में दर्जनों गांव जलमग्न, निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया। महाराष्ट्र के भंडारे में 48 घंटे से लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात, 44 गाँव में संपर्क जिला मुख्यालय से उनका टूट चुका है, पानी में लोगों की गाड़ियां डूब चुकी हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में भारी बारिश और बाढ़ के बाद स्कूल बंद, कई गांव हुए जलमग्न, प्रशासन ने कई गांव को खाली करवाया। राजस्थान के सीकर में पानी से भरे रेलवे अंडरपास में एक स्कूल बस फंस गई, करीब एक घंटे तक पानी में फंसे रहे बच्चे, मशीन की मदद से बस को निकाला गया। राजस्थान के उदयपुर में आफत की बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, नदी में तेज बहाव से उथरदा नदी का पुल टूटा, 5 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल भी तबाह हुए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी, नर्मदा नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुसा, किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश की वजह से सुजारा बांध का जलस्तर बढ़ चुका है, बीते 24 घंटे के दौरान डैम से 2 बार पानी छोड़ा गया, आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में बाढ़ का पानी घुस चुका है, मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। गुजरात के भरूच में नदी का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु फंसे, पुलिस ने नाव के जरिए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के शाजापुर में चारपाई पर बिठाकर गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, सड़क पर पानी भरने की वजह से बेबस थे गांव वाले। मध्य प्रदेश के गुना में नदी में अचानक पानी बढ़ने से गांव में लोग फंस चुके हैं, एसडीआरएफ की टीम के नाव के जरिए रेस्क्यू किया, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में आसमान आफत का कहर, पुल पानी में डूबने की वजह से लोग एक ही जगह पर कैद रहने को मजबूर हैं। गुजरात के अरवली में मेशू नदी में फंसे लोगों को बचाया गया, एसडीआरएफ की टीम ने सैलाब से किया रेस्क्यू, भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले की वजह से फंस गए थे कुछ लोग। गुजरात के सूरत में भारी बारिश होने की जगह जगह पानी भर चुका है, लोग घुटनों तक भरे पानी से निकलने को मजबूर। गुजरात के नवसारी में देर रात एक गाड़ी नाले में गिर गई, हादसे में कार सवार एक आदमी की मौत हो गई। पंजाब के पठानकोट में लगातार बारिश से बमजीत सागर डैम झील का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा, स्थानीय लोगों को डैम से दूर रहने की चेतावनी। पंजाब के गुरदासपुर में उफान पर रावी दरिया, पानी से घिरा पाकिस्तान की सीमा पर बसा गांव घोनोवाल, सड़क और गन्ने की फसल तबाह। यूपी के प्रयागराज में बारिश से उफान पर यमुना नदी सड़कें पानी में डूबी, जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक नाले पर बना पुल सैलाब में बह गया, पुल को पार कर रहे कुछ लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, जिससे 2 बच्चों की डूबकर मौत। हिमाचल प्रदेश में मनाली के सोलन गांव में 2 लोग नदी में बहे, नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, यहां भारी बारिश के बाद नदी उफान पर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बारिश और बादल फटने से भारी तबाही, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए करीब 100 श्रद्धालु पहाड़ों पर ही फंसे, रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा, हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश और बादल फटने से नदी नाले उफान पर, पहाड़ों से बहकर चंद्रभागा नदी में मलबा जमा होने से नदी का बहाव रुका, खेतों में भी पानी भर चुका है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश की वजह से जिला अस्पताल की दीवार गिरी, एक मशीन और एक कार को नुकसान, बिजली के पोल गिरने से राहत बचाव में भी परेशानी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर वाराणसी में गंगा की लहरों पर तिरंगा यात्रा निकालेगी पुलिस और पीएसी के जवान, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, तिरंगा के साथ दर्जन नाव गंगा के लहरों पर दौड़ती। महाराष्ट्र के गेंदिया में एक ही ट्रैक पर चल रही यात्री गाड़ी ने मालगाड़ी को मारी टक्कर, 3 डिब्बे बेपटरी, हादसे में 50 से ज्यादा लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बेकाबू पिकअप वैन ने एक मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक आदमी बुरी तरीके से जख्मी हो गया, घटना सीसीटीवी कैमरे में। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत, स्कूल वैन में बैठकर जा रहा था पूरा परिवार। उत्तराखंड के नैनीताल के रामगढ़ में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, फायर ब्रिगेड ने भारी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया।
यूपी के गाजियाबाद में एक आदमी ने गुंडों के साथ जमकर सोसाइटी के कुछ लोगों पर किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में हुई हमलावर की पहचान। 3 आरोपी हिरासत में। पीजी में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी लड़की के साथ छेड़खानी करता हुआ दिखा। वीडियो के आधार पर महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी किया। चंडीगढ़ में पुलिस की वर्दी पर लगा दाग। एक दुकान में लगे सीसीटीवी में सिगरेट की डिब्बी चोरी करता दिखा सब इंस्पेक्टर। पोल खुलने पर दुकानदार को दिए पैसे। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में चोरी के शक में लड़की को खंभे से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। ठाकुरगंज के घंटाघर इलाके की वारदात। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश मार्केट में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने छीना महिला का बैग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये घटना। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चंडीगढ़ में लूट के इरादे से कॉरियर बॉय बनकर घर में घुसा बदमाश। परिवार वालों को पिस्टल दिखाकर डराया। शोर मचाने पर भागा आरोपी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुछ लोगों ने आपसी रंजिश में एक कार सवार को लाठी डंडों से बीच सड़क पर जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अलीगढ़ में बुलंदशहर मार्ग पर शव रखकर परिजनों लगाया जाम। ससुराल में युवक को मारी थी गोली। इलाज के दौरान गुजरात के सूरत में छात्र संघ चुनाव के नतीजों के दौरान हिंसा। 2 गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पसीने छूटे। कश्मीरी पंडित सुनील कुमार की हत्या में शामिल आतंकी पर बड़ा पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने आतंकी आदिल बानी के ठिकाने को ढूंढा। आदिल बानी सुनील की हत्या में शामिल था। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमले के विरोध में आज कश्मीरी पंडित समुदाय और दूसरे संगठन करेंगे प्रदर्शन। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के सिद्रा में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। 2 घरों से मिले शव। पुलिस ने कहा शुरुआत जांच में खुदकुशी का मामला लग रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा में वोटों पर हुए तनाव के बाद धारा 144 लागू। पुलिस और आरएफ ने जिले में फ्लैग मार्च किया। अब तक 4 लोगों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी भी। सावरकर और टीपू सुल्तान की फोटो लगाने पर हुई थी सड़क झड़प। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए गुलाम नबी आजाद ने नियुक्ति के 2 घंटे के अंदर कांग्रेस कैंपेन कमेटी चीफ पद से इस्तीफा दिया। राजस्थान के जालौर में छात्र की मौत के मामले में आज एससी आयोग दे सकता है अपनी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल का। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। बीजेपी ने जारी किया नया कैंपेन। देश के बदले सोच नाम से जारी कैंपेन में कांग्रेस से सावरकर के प्रधानमंत्रियों के कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्रियों के भाषण की तुलना पीएम मोदी के भाषण से की है। और इस वक्त हम आपको ये भी अपडेट कर दें कि अमूल और मदर डेयरी का दूध आज से महंगा हो चुका है। दोनों कंपनियों ने दूध में इजाफा किया है। दूध की कीमतों में दाम में प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा हो चुका है। मध्य प्रदेश के मंडला में एक पुलिस अधिकारी ने ट्रैफिक सेस करने वाला एक रोबोट बनाया। ट्रैफिक सिग्नल की 3 लाइट से डैश रिपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल करने का साधन बन चुका है। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल दुनिया में कहीं भी अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। एलएसी पर चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए भारत ने अपनी तैयारी और मजबूत की है। भारतीय सेना को एलएसी यानी लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट बोट से लैस किया गया है। टर्की और सीरिया के बीच गोलीबारी की खबर है। दोनों देशों के बीच फ्रंट लाइन पर गोलीबारी। और आप देख रहे हैं इस वक्त देश का नंबर 1